देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। गणेश उत्सव की धूम पूरे देश में रही। इसी क्रम में आजमगढ़ के अतरौलिया नगर पंचायत निवासी डॉक्टर राजेश मिश्रा की 12 साल की पुत्री उदिता मिश्रा के द्वारा गणेश उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया गया। घर पर ही गणेश की विशालकाय मूर्ति रखकर साज और श्रृंगार कर छोटे छोटे बच्चों द्वारा डांस कार्यक्रम करते हुए गणेशोत्सव मनाया गया। उदिता मिश्रा जो बनारस में रहकर पढ़ाई करती हैं, इस समय अपने घर अतरौलिया नगर पंचायत में आई हुई हैं। गणेश उत्सव पर छोटे छोटे बच्चों के उत्साह को देखते हुए बच्चों को इकट्ठा करके बड़े ही धूमधाम से घर पर गणेशोत्सव मनाया गया। तो मैं उदिशा मिश्रा हूँ। मैं 12 साल की एक लड़की हूँ जिसका ये बहुत ही मन था कि वह गणेश उत्सव मनाए। ये आपको गणेश उत्सव की मूर्ति लगाने का ये आपको लगन कहाँ से था? आखिर में जैसे हम बच्चे आजकल जैसे कि हमारे देश में कोरोना वायरस चल रहा है तो हम सब स्कूल भी नहीं जा पा रहे और हमारी मस्ती भी बिल्कुल नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा जब मैं यहाँ पे अपने गाँव में अपने बच्चों के साथ हूँ तो क्यों ना मैं ये समारोह कर कर अपने दिल की जितनी भी जिज्ञासा है उसे मिटाए। कहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन चल रही है इसके बारे में? हाँ जी, वाराणसी। मैं यूनिक अकेडमी में वाराणसी में पढ़ती हूँ। आप लोग छोटे छोटे बच्चे लोगों को कैसे ट्रेन किया, कैसे इसको सिखाया इसके बारे में? ये तो इन लोगों की लगन है और ये इतने क्यूट क्यूट बच्चे हैं। इन्होंने ही बोला कि हाँ दीदी मैं कर सकती हूँ, तो मैंने जब इन्हें सिखाया तो फिर ये सीखे। ये मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं जो सब बहुत ही कड़ी मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि आपने बताया कोरोना काल की वजह से हमने ये किया, क्या आप हर साल इस तरह करेंगे प्रोग्राम? जी ज़रूर, अगर हमारा इतनी कैपेबिलिटी होगी और हम यहाँ पे उपस्थित होंगे तो हम ज़रूर ही करेंगे। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अतरौलिया नगर क्षेत्र के दुर्गापुर में लोगों द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बधाई के अवसर पर कीर्तन भजन करते हुए एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोगों ने भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। श्री कृष्ण जन्म के बाद पड़ने वाली बरही के अवसर पर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा था। वहीं नगर पंचायत के बिरुवापुर में एक विशाल भंडारे का आयोजन करते हुए लोगों में प्रसाद वितरित किया गया। बिरुवापुर स्थित शिवालय पर प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन किया जाता है, जहां क्षेत्र के दूर दराज से लोग पहुंचकर कीर्तन भजन का आनंद लेते हुए भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद पड़ने वाले बरही महोत्सव में लोगों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपरांत सोहर गाई जाती है और देर शाम तक भजन कीर्तन चलता रहता है। इस तरह का आयोजन बिरुवापुर निवासियों द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जहां हजारों की संख्या में पहुंचकर लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं जिसकी खूब चर्चा होती है।